दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट क्वालिटी न्यूज के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कैबिनेट के फैसले की, किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला, धान समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी। दोस्तों न्यूज आपको निकल कर आ रही है अमर उजाला से और हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो आइए जानते हैं संपूर्ण खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे देश दुनिया की तमाम खबरों से। दोस्तों अपडेट न्यूज आपके लिए है, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि के प्रयास को लेकर प्रयास जारी रखे और प्रयास जारी रखते हुए धान के समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन राशि दोनों में वृद्धि का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट मंगलवार को धान के समर्थन मूल्य में 180 से 200 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि में प्रति क्विंटल 5 रुपए वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसानों को प्रति क्विंटल 185 से 205 रुपए प्रति क्विंटल पिछले साल से अधिक मिलेंगे। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में धान खरीदी की शुरुआत 1 अक्टूबर से और कुछ में 1 नवम्बर से होगी। प्रदेश ने के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्रदेश कैबिनेट ने नई धान खरीदी नीति को मंजूरी दे दी है और इस बार सामान्य श्रेणी का धान 1750 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के धान की खरीदी 1770 रुपए प्रति क्विंटल की जाएगी। पिछले साल से क्रमशः 180 और 200 रुपए अधिक है। इसके अलावा किसानों को छनाई और उतराई के लिए रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। इस तरह के किसानों को साधारण धान की बिक्री पिछले साल की अपेक्षा 185 रुपए ग्रेड ए के धान पर 205 रुपए प्रति क्विंटल अधिक मिलेगी। शर्मा ने बताया कि इस सीजन में 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य किया गया है। पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य था। धान खरीदी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और अब तक 1.5 लाख किसान धान खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को धान बेचने के 72 घंटे के भीतर RTGS के जरिए खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। 2 दिन सिर्फ लघु व सीमांत किसानों से ही खरीदी। दोस्तों ऊर्जा मंत्री ने बताया कि लघु व सीमांत किसान हर दिन धान की बिक्री कर सकेंगे, लेकिन सप्ताह में 2 दिन सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों को ही धान खरीदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्वाधिक संख्या इसी जोत वर्ग के किसानों की होगी, इसलिए उनकी सहूलियत के लिए सरकार ने फैसला किया है। किसानों के रकबे को सत्यापन भी होगा। दोस्तों धान खरीदी के पिछले बार की गड़बड़ियों को सरकार ने सपक लिया है और प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि धान बेचने वाले किसानों को खतौनी लगानी होगी, खतौनी का सत्यापन भी कराया जाएगा। इससे पता चलता है कि किसान वास्तव में अपने ही उपज की बिक्री कर रहा है। इसके अलावा प्रत्येक धान खरीदी का क्षेत्र तय किया जाएगा, तब राजस्व क्षेत्र के लोग ही संबंधित केंद्र पर धान बेच पाएंगे। हालांकि मंडी में कहीं के भी किसान धान बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रयास है कि किसी भी किसान को 8 किलोमीटर से अधिक दूरी न तय करनी पड़े, क्रय केंद्र DM तय कर सकेंगे। मिलर्स को अब 20 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन। दोस्तों इसके अलावा मिलर्स को धान के चावल बनाकर 1 महीने में आपूर्ति करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। पिछले साल 10 रुपए प्रति क्विंटल था। धान कुटाई के लिए 10 रुपए प्रति क्विंटल दी जाने वाली राशि इससे अलग होगी। मिलर्स यदि 45 दिन से अधिक देरी पर चावल की आपूर्ति करेंगे तो उन्हें 1 रुपए प्रति क्विंटल होल्डिंग प्रभार अदा करना पड़ेगा। समर्थन मूल्य रुपए प्रति क्विंटल। धान जो है कॉमन धान है वो पिछले साल था 1550 और अब हो गया है 1750, और धान जो ग्रेड ए था वो पिछले साल था वो 1590 और अब हो गया है 1770। दोस्तों अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जो कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आने से अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि सभी लोग जो है सभी किसानों को पता चल सके कि धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। उस खबरी थी इस वीडियो में इतना ही। फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।